ये फाइव क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं 2 की पावर 91 में यूनिट डिजिट की बात करूं, तो अगर ये 2 है तो आप 2 लिख दो, पहले इतना काम कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, अब इसके पावर को 4 से डिवाइड करो, यानी 91 को 4 से भाग लगाओ और बताओ कि शेषफल क्या आएगा। 3। जल्दी से, 91 को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता करना है कि रिमाइंडर कितना देगा। बड़ा आसान है पता करना, बता सकते हो? 3 आएगा। किसने बोला? रोहित। रोहित, रोहित पांडे। और सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? कर रहे हो ना? 3 आएगा ना? 3 आएगा। तो जब 3 आए तो आप 3 रख दो, क्योंकि 3 पे तो 3 रखना है। अब मुझे बताओ कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो आप कह सकते हो कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। बोलो, बातें आई समझ? बड़ा आसान है। यस सर। ठीक, अब मैं 3 की पावर 27 की बात करता हूं। तो देखो, ये डिवाइडेड बाई 4 का ही कॉन्सेप्ट है, तो आप 3 की जगह 3 लिख दो और मुझे बताओ कि 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 3 होगा, 3 बटे 24 होता है, 6 का 24 और उसके बाद कितना बचेगा? 3। इतना तो क्लियर है। तो इस बार हम 3 की पावर 3 करेंगे, तो 3 की पावर 3 करने पर यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 27। तो 7 मिलेगा ना? 7 मिलेगा सर। हाँ, तो देखो 3 की पावर 27 में आपका अगर डिवाइडेड बाई 4 का कॉन्सेप्ट था, तो इसको 4 से डिवाइड किया, शेषफल 3 आया और ये नंबर 3 एज इट इज रहेगा। और 3 की पावर 3 27 होता है, तो 27 में इकाई अंक क्या आएगा? 7। आगे बातें समझ? यस सर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरे पे आते हैं। देखो 7 की पावर 92, तो 7 का भी कॉन्सेप्ट कहता है डिवाइडेड बाई 4, तो आप पहले 7 की जगह 7 लिख दो। अब मुझे बताओ कि 92 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या हम 0 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? 4 लिखेंगे सर। 4। हाँ, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वहां पे हम 4 लिख देंगे और उसके बाद 7 की पावर 4 को सॉल्व कर देंगे। 7 की पावर 4 को सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। कर लोगे? 7 की पावर 4 मैक्सिमम 4 पावर तक ही सॉल्व करने की जरूरत है, उससे ऊपर सॉल्व करने को आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। पावर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और जब 0 आएगा तो 4 रखेंगे और उससे ऊपर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमें मैक्सिमम अगर जरूरत पड़ेगा तो पावर 4 तक सॉल्व करना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं। तो 7 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। तो बोलो, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया? यस यस सर। ठीक, आते हैं फोर्थ नंबर पे। यहां पे देखो कि 8 है, तो 8 का कॉन्सेप्ट भी वही है, तो 8 की जगह पे पहले 8 लिख दो और बताओ कि 44 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा ना? तो 0 की जगह क्या लिखेंगे? 4। और मुझे बताओ कि 8 की पावर 4 को अगर सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यस सर। 8 की पावर 4 को सॉल्व करके देखो, इकाई अंक पे 6 आ जाएगा। ठीक सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अगर ये 3 है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 लिख देंगे ना? समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, और 72 पावर में है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्योंकि 72 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 की जगह क्या लिख देंगे? 4। और 3 की पावर 4 81 होता है, जिसमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया। अब किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल करना है इससे रिलेटेड तो आप करो, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट के जो पावर वाले नंबर है उसमें 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है और मैंने क्वेश्चन लगाने का तरीका भी बता दिया है कि कैसे आप करोगे, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मैंने आपको सारी बातें बता रखी है कि कब
पावर में क्या होगा, वो डिजिट कौन सा होगा, तो इकाई अंक पे क्या आएगा। सब कुछ आपका क्लियर है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूं। और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। और कल के क्लास में क्वेश्चन करने के बाद एक सीट आपके पोर्टल पे मैं डालूंगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा, और वो 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा घर पे बैठ के। और सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें भी यूनिट डिजिट पर टेस्ट क्वेश्चन मैं दूंगा। मतलब कुल मिलाकर हम लोग को इस टॉपिक पे 80-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो, और जो टेस्ट में दूंगा वो, और जो प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा वो, टोटल मिलाकर अप्रोक्स 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी हमारी, और तब जाकर हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आपको जो भी सवाल मुझसे करना है करो, इससे रिलेटेड या फिर कोई और भी सवाल है। और मुझे लगता है कि आज की क्लास में इतना सफिशियंट है।